सो गाइस, ये है रियलमी 9i 5G, जिसमें आपको 464 देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम प्राइस पे 5G फ़ोन मिल रहा है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल्स वेस्टेक। तो आज मैं आपको दोबारा से मार्केट में लेके आया हूँ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ फोन अंडर 14,000 रुपीज़ इन ऑफलाइन मार्केट और आप कह सकते हैं ऑफलाइन शॉप में। तो आज वही फ़ोन है आपको बताने वाला हूँ। सारे ब्रांड्स रहेंगे, जो जो मेन ब्रांड्स रहते हैं अपने, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो रहेंगे। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी आप मेरी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसी ही मेरी वीडियोस रहती हैं ऑफलाइन मार्केट से रिलेटेड, तो आप वहाँ से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं चैनल पे जाके। तो मैं आपको सबसे पहले शॉप दिखा देता हूँ, शॉप कौन से होने वाली है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैं फोन बताऊंगा। सो गाइस, आप शॉप देख सकते हैं, ये रही शॉप मयूरी मोबाइल एंड रिपेयरिंग। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ फोन अंडर 14,000 रुपीज़ और जो भी ब्रांड्स रहेंगे, जो फोन रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो मेन फीचर रहेंगे, जो बॉक्स में मेंशन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और बाकी डिटेल में आप देख सकते हैं। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आपको फोन बता दूँगा। तो भाई सबसे पहले हम भाई से शॉप का नाम और भाई का नाम और शॉप की डिटेल्स ले लेते हैं। तो भाई पहले डिटेल दे दो शॉप के बारे में। मेरा नाम आदित्य सोनी है, शॉप का नाम मयूरी मोबाइल सेंटर बेरसिया मैनचुरा है। तो भाई सारे ब्रांड के फ़ोन मिल जाते हैं ना अपनी शॉप पे? ओके, और आज हम किस मतलब टॉपिक पे फ़ोन बताने वाले हैं व्यूअर्स को अपना, आज मतलब किस बजट में बताने वाले? अपना बजट रहेगा आज 10,000 से लेकर 14,000 तक। ओके, तो गाइस हम आज को आपको आज 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में जो फोन आते हैं वो मैं आपको आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख लेना कौन कौन से फोन होने वाले हैं। तो गाइस पहला फोन है हमारा वीवो की तरफ से, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीवो T1X, 4 GB RAM में 64 GB ROM। तो गाइस ये है हमारा पहला फोन वीवो का T1X, और अगर आप वीवो में जाना चाहते हैं तो T1 सीरीज काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब आपको प्रोसेसर काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। तो ये पहला फ़ोन है उसका T1X मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें आप प्रोसेसर देख सकते हैं 680 मिल जाएगा आपको स्नैपड्रैगन का, 50 MHz का आपको कैमरा सेटअप मिल जाएगा पीछे बैक में, और फुल HD पर डिस्प्ले मिल जाएगी, और 5 से 10 mAh की बैटरी के साथ आपको 18 W चार्जर भी मिल जाएगा बॉक्स में। तो ये पहला फ़ोन हमारा वीवो की तरफ से, वीवो का T1X है ये। तो मैं दूसरा फ़ोन भी बताने जा रहा हूँ जो कि वीवो की तरफ से T1, इसमें 4 GB RAM है, 128 GB में इंटरनल मेमोरी। ओके, तो गाइस ये अपना सेकंड फोन है वीवो की तरफ से, ये जो वीवो T1X है इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक और फोन आता है वीवो का T1, जो 44 W वाला फोन है आपको पता होगा, जिसमें आपको 44 W चार्जर देखने को मिलता है। ये 4G फोन है, इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 680 मिल जाता है जो कि 6 nm पर वर्क करता है, और एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी इसमें आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और 44 W का आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो इस बजट में काफ़ी कम बजट में आपको 44 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हाई रेंज में आता है, और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले फिर और फिंगर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वो भी मिल जाता है। इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं T1 44 W का, प्राइस क्या रहता है भाई, प्राइस बता दो इसका। इसका प्राइस रहेगा 14,490, 14,500, 4128। हाँ 4128। तो गाइस ये पहला मतलब सेकंड फोन था हमारा T1 सीरीज का और वीवो की तरफ से, और भाई ने आपको प्राइस बता दिया इसका जो 4128 GB का आता है, इसमें आपको 14,499 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो ये सेकंड फोन था हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फोन कौन सा होने वाला है आपको मैं बता। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट फोन बताने जा रहा हूँ जो कि ओप्पो की तरफ से, ओप्पो K10 4G, इसमें भी 6 GB RAM है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बाद जो अपना T1 40W था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फोन है वो है ओप्पो का K10 4G। 4G वाला ये, एक 5G भी आता है लेकिन 4G वाला है 6.28 GB में। गाइस मैं आपको ओप्पो K10 के जो मेन फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 मिल जाता है प्रोसेसर, और इसमें आप कैमराज की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉक्स पे आपको यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं 50+2+2 के 3 कैमराज आपको रियर में देखने को मिल जाएंगे, और 16 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी रहेगी, और काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्टेबल प्रोसेसर है, मतलब 680 आपको ओप्पो के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको सही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस ठीक मिल जाएगी। तो 4G में जाना, ओप्पो K10 4G का ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.28 GB वाला वेरियंट है। इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं भाई से, ओप्पो K10 4G का प्राइस क्या मिल जाता है अभी? इसका प्राइस है 13,990 रुपये, 6.28 है। 6.28। ओके, तो गाइस 13,990, 13,990 रुपीज़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा 6.28 GB वाला वेरियंट। तो काफ़ी अच्छा है, आपको कम प्राइस में आपको 6.28 मिल रहा है, और ओप्पो के हिसाब से आपको फीचर्स भी सही मिल जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैं अब बात करता हूँ नेक्स्ट फोन की, जो कि ओप्पो की तरफ से, ओप्पो A57, ये 464 में। ओके, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फोन है वो है ओप्पो की तरफ से, एक और फोन है ओप्पो का A57 है। अगर आपको ओप्पो के A सीरीज में जाना है तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ओप्पो A57,
इससे पहले A55 आ गया था लेकिन ये A57 आ चुका है। तो इसमें आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, सुपर गुड चार्जर है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको इसमें और 1 TB तक इसमें आप एक्स्ट्रा मतलब स्टोरेज बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ओप्पो की तरफ से ओप्पो का A57 ए सीरीज़ में जाना है, तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर के सीरीज़ में जाना है तो ये रहेगा एक। तो ये 464 GB वाला वेरियंट है इसका। एक बार हम प्राइस पूछ लेते हैं भाई से कि ओप्पो A57 का 464 का प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 13,999। ओके, तो गाइस ये आपको 13,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, मतलब कह सकते हैं आप 14,000 रुपये में 14,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा 464 वाला वेरियंट ओप्पो A57 का। तो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फोन जो कि रेडमी की तरफ से MI की तरफ से रेडमी नोट 11 जो 4 GB रैम में 64 GB ROM है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी का नोट 11 है। काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है आपको पता ही होगा और इस बजट में एक 4G फ़ोन है ये आपको पता होगा और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा AMOLED डिस्प्ले के साथ और FHD+ रहेगा जो कि 50Hz का आपको कैमरा सेटअप मिल जाएगा, क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा और बाकी आप देख लो 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको 33 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है, 13 MP की आपको सेल्फी मिल जाती है। तो इसके कुछ फीचर्स थे मेन, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं आपको मिल जाते हैं रेडमी नोट 11 में और अगर आपको 4G फ़ोन चाहिए तो इस बजट में आप इसकी तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसका एक बार प्राइस पूछ लेते हैं हम, 464 GB वाले का प्राइस क्या रहता है वही बता दें। 13,490। तो 13,500 रुपये में आपको 13,490 रुपीज़ में आपको ये देखने को मिल जाता है 464 वाला वेरियंट है ये नोट 11 का। तो ये था नोट 11 रेडमी की तरफ से, MI में आपको जाना है तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट फोन कौन सा वाला। तो मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फोन जो कि MI की तरफ से रेडमी नोट 11 प्राइम 5G, ये भी 4 GB रैम में 64 GB इंटरनल में। ओके, सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फोन है वो है रेडमी की तरफ से एक और फोन है रेडमी नोट 11 प्राइम, रेडमी का 11 प्राइम 5G है ये। तो अगर आपको 5G में जाना है और रेडमी में जाना है तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा 464 वाला वेरियंट है। आप इसके एक बार फीचर्स देख लो, Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 5G चिपसेट रहेगा और 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा फुल HD+ डिस्प्ले के साथ और आप इसके मेन फीचर्स यहाँ पे देख लो एक बार बॉक्स है, 50 mAh का डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18W का चार्जर मिल जाएगा और 8 MP की आपको सेल्फी मिल जाएगी। तो ये है रेडमी का 11 प्राइम 5G और बाकी भाई से इसका प्राइस पूछ लेते हैं कि 464 वाले वेरिएंट का क्या प्राइस रहता है रेडमी 11 प्राइम 5G का क्या रहेगा भाई। इसका रेट है 13,499। तो गाइज ये आपको 13,499 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है 464 वाला वेरियंट 5G फोन था ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होने वाला है। तो मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फोन जो कि रियलमी की तरफ से रियलमी 9A 5G, ये भी 464 में। तो गाइज हमारा नेक्स्ट फोन है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 9i 5G, 5G एक और फ़ोन है। अगर आपको रियलमी में जाना है 5G फ़ोन चाहिए तो आपके पास ये बहुत सही ऑप्शन रहेगा, A10 मिल जाता है जो कि Dimensity का प्रोसेसर है और 5000 mAh की बैटरी के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 50 mAh का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और बाकी ओवरऑल फीचर्स भी और जो चिपसेट है इसमें वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल है A10 जो कि Dimensity का है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ओवरऑल अगर आप देखें तो रियलमी की तरफ से 9i 5G इसका 464 वाला वेरिएंट है ये। इसका हम प्राइस पूछ लेते हैं एक बार कि 9i 5G का प्राइस क्या रहता है। इसका प्राइस है 11,999। सो गाइस ये है रियलमी 9i 5G जिसमें आपको 464 देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी कम प्राइस पे 5G फोन मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं बिल्कुल, काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, पावरफुल प्रोसेसर है और 5G भी मिल रहा है आपको। तो ये था हमारा 9i 5G, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फोन होने वाला है। तो नेक्स्ट फोन बताने जा रहा हूँ जो कि रियलमी की तरफ से C95, इसमें भी 464 आपको रैम रोम देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइस ये नेक्स्ट फोन है रियलमी की तरफ से एक और फोन, रियलमी का C35 है ये और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको रियलमी C35 का और बाकी फीचर्स आप देख लो इसमें जो मेंशन है, 50 mAh आपको कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है। तो ये रियलमी की तरफ से अगर आपको रियलमी में जाना है तो एक और ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा चाहिए तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है बैक में। तो C35 का एक बार प्राइस पूछ लेते हैं हम, जो 464 वाला वेरिएंट है इसका, तो भाई इसका प्राइस बता दो एक बार C35 का। इसका प्राइस है 11,999। तो गाइस ये भी आपको 11,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, 12,000 रुपीज़ में C35 464 वाला वेरिएंट। तो ये था रियलमी की तरफ से दो फोन हो गए, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा होने वाला। गाइस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फोन जो कि सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A13।
इसमें भी 464 रैम रोम। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A13 है। और आप इसके मेन फीचर्स देख लो, आपको FHD+ डिस्प्ले मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें आपको जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, 2+2 और दो और कैमरा मिल जाएंगे आपको, 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और फैक्ट्री में उसकी बैटरी के साथ आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इसके मेन फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये सैमसंग गैलेक्सी A13, अगर आपको ए सीरीज में जाना है सैमसंग में, तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा इस बजट में। और इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं, जो सैमसंग का A13 है इसका क्या प्राइस रहता है, तो वो आप देख लेना। और बाकी सैमसंग की ए सीरीज काफ़ी प्रीमियम फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो वो आप देख लेना, प्राइस पूछ लेते हैं। इसका प्राइस है 13,999। तो गाइस, ये आपको 13,999 में मिल जाता है, यानी 14,000 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं गैलेक्सी A13 को। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, और लास्ट फोन आएगा वो हमारा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई अभी तक लाइक कर दें, तो लास्ट फोन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फोन बताने जा रहा हूँ मैं, सैमसंग की गैलेक्सी M13, जो कि 464 में आपको देखने मिल जाएगा। सो गाइस, हमारा लास्ट फोन है इस वीडियो का, वो है सैमसंग गैलेक्सी M13। और इसमें आपको जो मेन फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं, FHD+ डिस्प्ले मिल जाएगा और ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाएगा, 5+2 और आपको 3 कैमरा मिलते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से सेटअप मिलता है। 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको सबसे बड़ी बैटरी इसी फोन में मिल जाएगी, और 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं इसके सैमसंग गैलेक्सी M13 के। M13 और F13 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप देख लेना। और इसका एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कि 464 वाले वेरिएंट का क्या प्राइस है, नहीं बता दें। इसका प्राइस है 9,490। सो गाइस, ये सैमसंग गैलेक्सी M13, इसका भाई ने आपको प्राइस बता दिया, 464 वाला वेरिएंट था ये। ये सारे फ़ोन थे, और बाकी आप देख लो, ये सारे फ़ोन मैंने आपको बताया 14,000 के अंडर में थे, और जो शॉप पे अवेलेबल थे वो मैंने आपको बताया, अगर आप कोई मिस हो गया तो आप देख लेना। तो ये सारे फ़ोन थे भाई, एक बार और शॉप का एड्रेस बता दो व्यूअर्स को, कोई आना। शॉप का एड्रेस है मयूरी मोबाइल मेन चौराहा असिस्टेंट। सो गाइस, भाई ने आपको एक बार और एड्रेस बता दिया, और बाकी आपको सारे ब्रांड्स के फ़ोन मिल जाएंगे, और कोई भी फ़ोन आपको परचेस करना हो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, सारे ब्रांड में सारे फ़ोन्स, और कोई भी प्रीमियम फ़ोन चाहिए वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो छोटा सा, आपको 14,000 रुपीज़ में जो भी फ़ोन अवेलेबल थे शॉप पे वो मैंने बता दिए, और ऐसे ही वीडियोज आपको देखने को मिलते रहेंगे, आप सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, वो भी काफ़ी सही होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो वो भी काफ़ी सही। थैंक यू सो मच।